मेरा नाम हाजी बीबी है. मेरा ताल्लुक गिलगित हंजा गोजाल की है. मैं हैंडक्राफ्ट का काम करती हूँ. मैंने बहुत तकलीफ भी गुजारा, बहुत मसला भी हुआ मेरे साथ. पहले मेरे बच्चे अच्छे पढ़ती थी. 9/11 के बाद मेरा शोहर का कंपनी बंद हो गया. फिर मैंने तंजीम से कर्ज़ा लिया, हमारे बच्चों का फीस दिया, खेती बाड़ी का काम भी किया, आलू बनाया, ड्राई फ्रूट बेचा. इसलिए हमने वो अपना कर्ज़ा भी मैंने वो ख़त्म किया इसी तरह मेहनत करके. फिर उसके बाद हमने वो सिलाई किया, कपड़े का सिलाई किया, ये हैंडक्राफ्ट का सिलाई किया. अपना घर का खर्चा हमने पूरा किया. मेरा कंपनी का नाम सिल्क रूट हैंडक्राफ्ट है. मेरे साथ माजूर ख़वातीन भी काम करते हैं, क्योंकि वो घर में बैठ के उसको कुछ नहीं मिलते, किसी का बाप नहीं है, किसी का माँ नहीं है. मैंने वो भी अपना कंपनी में शामिल किया है. पहले धागा लेना होता है, कपड़ा लेना होता है, उसके बाद उसको डिज़ाइनिंग करना होगा, उसके बाद उसको स्टिचिंग करना होगा, फिर स्टिचिंग के बाद उसको फिनिश करना, फिनिशिंग के बाद वो मार्केट तक उसको पहुँचाने का काबिल होते हैं. फिर उसके बाद मार्केटिंग के लिए भी बहुत मसला है हमारे लिए, क्योंकि हमारा गांव इस तरह है कि शहर से भी दूर है, रास्ता से भी दूर है और लोगों के दिल से भी दूर है. शहर की तरह फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे कि हम आसानी से मटेरियल ले सकते हैं. वोमार्ट वालों ने मुझे बुलाया और ब्रिटिश काउंसिल वालों ने हमें वो कुछ सेल फोन भी दिया, हमें कुछ सिखाया, वो मार्केटिंग के हवाले से हमें सिखाया और मटेरियल लाने के लिए हमें सिखाया कि किस तरह लाना है, किस तरह वो प्रोडक्ट भेजना है, ऑनलाइन किस तरह भेजना है. मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह ऑनलाइन बिजनेस करना है और परचेजिंग भी इस तरह करना, उसका कॉस्ट निकालना. उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और मुझे अच्छा लगा कि वो इसी तरह गैदरिंग होना चाहिए, इसी तरह ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि पासमानदा इलाका से भी बुलाएंगे लोग. इस तरह नहीं कि खाली शहरों में बुलाएंगे, पासमानदा इलाका वो नज़रअंदाज करेंगे.